गाइस अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं हेल्दीएस्ट नाश्ता। ओके, नाश्ते में आज हम बनाएंगे भाजी का चकना विद ओट्स रोटी। ओके, तो इसीलिए मैंने ले लिया है कुकर जो हो रहा है गरम। तो इसमें ऐड करूँगी मैं थोड़ा सा ऑयल। तो देख सकते हैं दोस्तों, मेरा ऑयल गरम हो चुका है। मैंने इसको रात में कबाब तला था तो वही थोड़ा तेल बचा हुआ था, तो मैंने उसी को ऐड कर दिया है। बिकॉज़ इसको ज़्यादा दिन ऑयल को स्टोर करने से ख़राब हो जाएगा, तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा ऑयल ले लिया है दोस्तों। इसको गर्म होने के बाद हम ऐड करेंगे सम अनियंस एंड ऑल। तो इसलिए मैंने तैयार कर लिया है यहाँ पर थोड़े से प्याज, 102 प्याज और 2 टमाटर, थोड़ा सा खोपरा और थोड़ा सा लहसुन। ओके, अभी हम इसमें ऐड करेंगे प्याज। तो गाइस देखिए, मेरी प्याज अच्छे से पक रही है। अभी मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा लहसुन। देखिए दोस्तों, मैंने ऐड किया है थोड़ा सा लहसुन। इसको करेंगे अच्छे से मिक्स। ओके, इसको 2 मिनट के लिए अच्छे से पकाएंगे। फिर इसमें ऐड करेंगे सम टमाटोस एंड खोपरा। तो गाइस देखिए, मैंने टमाटर और खोपरे को ऐड कर लिया है। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। क्योंकि टमाटर डाल के हैं तो उसके पीछे हमें थोड़ा सा ऐड करेंगे इसमें से सॉल्ट, बिकॉज सॉल्ट डालने से टमाटर जल्दी गल जाता है। ओके, मैंने ऐड कर लिया है थोड़ा सा सॉल्ट। अभी करेंगे इसको अच्छे से मिक्स, पकाएंगे इसको 2 मिनट के लिए। फिर ऐड करेंगे सब मसाला, गरम मसाला। तो गाइस देखिए, मेरी प्याज धनिया सब कुछ अच्छे से पक चुकी है। अभी हम इसमें ऐड करेंगे सब गरम मसालास। तो देखिए, मैंने लिया है थोड़ा सा हल्दी और 2 टेबलस्पून ऑफ चिली पाउडर एंड 1 टेबलस्पून ऑफ धनिया पाउडर। सो मैं इसको ऐड करूँगी। गरम मसाला चाहिए तो आप ऐड कर सकते हैं, इट इज़ ऑप्शनल। ओके, तो मैं इसको कर लेती हूँ अच्छे से मिक्स, जस्ट 1 मिनट के लिए। ज़्यादा नहीं पकाएंगे दोस्तों, बिकॉज मसाले जल सकते हैं। और मसालों की क्वांटिटी भी जितना हो सके उतना कम रखिए दोस्तों, बिकॉज ज़्यादा मसाले खाने से हमारा डाइजेशन सिस्टम थोड़ा वीक हो सकता है। ओके, तो गाइस इसमें मैं ऐड कर रही हूँ थोड़े से मटर और चिली, मैं क्या बोलते हैं इसको, बल्लर की फली थोड़े से ही ऐड करूँगी। ओके, तो गाइस देखिए, मैंने मसाले और मटर और सभी अच्छे से पक गए हैं। मटर और बल्लर की फली सब अच्छे से पक गए। अभी हम इसमें ऐड करेंगे भाजी। ओके, तो गाइस देखिए, मेरी भाजी अच्छे से पककर अच्छे से तैयार हो चुकी है। ये डंड की भाजी है और चकने की भाजी है। तो मैं इसको ऐड करूँगी, इसमें अच्छे से धो के मैंने इसको अच्छे से क्लीन कर लिया है। अभी मैं इसमें इसको ऐड करूँगी। ओके, तो गाइस देखिए, मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अभी हम इसको लगाएंगे 1 विजिल, बिकॉज़ मैं आज इसको कुकर में बना रही हूँ दोस्तों, बिकॉज़ मुझे वर्कआउट के बाद बहुत भूख लग रही है, तो इसीलिए इंस्टेंट पक जाएगा कुकर में, इसीलिए मैं इसको 1 विजिल देने के बाद आपको दिखाती हूँ। ओके, तो गाइस देखिए, मैंने विजिल को कर लिया है बंद। तो बाजू में गर्म हो रहा है मेरा तवा, तो बना लेते हैं हम ओट्स रोटी, फिर दिखाऊंगी आपको। ओके, गाइस देखिए, मेरी ऑलमोस्ट रोटी पक चुकी है, क्योंकि थोड़ा सा शेप, देखिए इधर थोड़ा सा शेप फाट का आ गया है, बिकॉज मुझे दिल से बहुत भूख लग रही है दोस्तों, इसीलिए थोड़ा शेप बिगड़ गया है। ओके, गाइस देखिए, मेरे बनकर हो गया है चाकना अच्छे से रेडी, और पानी भी नहीं है, एकदम लाजवाब बना है दोस्तों। मैं अभी इसको कर लेती हूँ सर्व। गाइस देखिए, मेरा बनकर रेडी हो गया है चकना रोटी। ओके, तो आप भी बनाइए, खाइए और कमेंट कीजिए कैसा बना है। थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।